आज मंगलवार 28 फरवरी को सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा में स्नाइपर एवं मोर्टार हथियारों के कोर्स का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने दो दिवसीय दौरे पर मुख्य अतिथि के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता एवं भारत की पैरा ओलंपिक शूटिंग टीम के मुख्य कोच रहे जेपी नोटियाल उपस्थित रहे। जेपी नोटियाल का जन्म उत्तराखंड में हुआ था एवं उनके पिता वर्ष 1982 में टेलीकॉम वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल शिवपुरी में ही कार्यरत थे। जेपी नोटियाल ने अपनी 10वीं एवं 12वीं की शिक्षा ITVP पब्लिक स्कूल से पूर्ण की एवं अपनी स्नातक की डिग्री सरकारी स्नातकोत्तर विद्यालय शिवपुरी से वर्ष 1987-88 में पूर्ण की। वर्ष 1989 में जेपी नोटियाल सहायक सेनानी पद पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अधिकारी के रूप में पदस्थ हुए। बल में कार्यरत होने के पश्चात वर्ष 1990-91 में ITVP की शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया। व्यक्तिगत कारणों से बल में उपसेनानी के पद पर रहते हुए जेपी नोटियाल द्वारा ITVP से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई। इसके पश्चात जेपी नोटियाल ने व्यापारिक समूह के प्रसिद्ध जिंदल ग्रुप को ज्वाइन किया और सीधे तौर पर शूटिंग में व्यावसायिक रूप से अपनी कुशल सेवा दी। जिंदल ग्रुप के बाद जेपी नोटियाल ने भारत सरकार के साथ कार्य कर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक मेडल देश के लिए जीते। जेपी नोटियाल के ही मार्गदर्शन में भूतपूर्व शूटिंग चैंपियन जसपाल राणा पदम एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता शिल्पी सिंह, PN प्रकाश अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं मनीष नरवाल खेल रत्न पुरस्कार विजेता आदि ने शूटिंग में देश का नाम रोशन किया है। स्वर्णिम उपलब्धि के रूप में वर्ष 2020 में संपन्न हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की पैरा शूटिंग टीम ने 2 स्वर्ण, 1 रजत एवं 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। इस विशेष उपलब्धि के लिए जेपी नोटियाल को वर्ष 2021 में भारत के खेल उच्चतम पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान समय में जेबी नोटियाल भारत की पैरा शूटिंग टीम के राष्ट्रीय कोच हैं। जेबी नोटियाल ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एकाग्रता ही सफलता की मूल कुंजी है। इसी पर अडिग रहते हुए जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। संस्थान अध्यक्ष APS निमाड़िया द्वारा जेपी नोटियाल को कोल्ड वॉर शॉट प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल अपने स्नाइपर कोर्स प्रशिक्षणार्थियों को कोल्ड वॉर शॉट ट्रॉफी प्रदान करता है। ये ट्रॉफी उस विजेता को दी जाती है जिसने प्रत्येक शूटिंग अभ्यास में सबसे ज्यादा बार हर टारगेट को पहली गोली से हिट किया हो। समापन समारोह के उपरांत जेपी नोटियाल ने अपने पूर्व कॉलेज गवर्नमेंट SMSPG कॉलेज शिवपुरी, जहां से उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, का दौरा करेंगे। वहां उनके द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित किया जाएगा और किस प्रकार खेल के मैदान में अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं के विषय में मार्गदर्शन देंगे। अपने पूर्व कॉलेज में आकर पुरानी यादें साझा करेंगे। जेपी नोटियाल ने क्या कहा, रिपोर्ट संजय गुप्ता, बिलैया। स्नाइपर कोर्स की बहुत ज़्यादा है, अभी एक हम पेपर तैयार कर रहे हैं, स्टेटस पेपर बहुत जल्दी ही बल मुख्यालय में भेजा जाएगा, उसमें कई चीज़ें हैं सुधार के लिए। लेकिन यह है कि एक जो जैसा कि श्री जेपी नोटियाल ने आपसे कहा कि कोई भी अभ्यास करने से पहले हम उसके बेसिक्स के ऊपर जाते हैं, वही मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि खासकर स्नाइपर का, कि आपको लगता है कि आपका निशाना अच्छा है क्योंकि बेसिक वही है। मेरा मानना है कि जो स्नाइपिंग में अच्छा है वो बाकी वेपन में भी अच्छा रहता है, क्योंकि जो बेसिक्स वो तो वही है, जैसे बॉडी कंट्रोल, बॉडी मूवमेंट। जो एग्जांपल दिया था श्री नोटियाल जी ने कि शरीर के मूवमेंट ही अल्टीमेटली आपके इम्पैक्ट डालता है, तो उस मूवमेंट को, ट्रिगर को दबाना और जब वो गोली मजल से निकलती है वो कुछ सेकंड का ही फर्क होता है। इसका मतलब है आपके बेसिक्स ठीक है। तो मेरी सलाह है कि आप जब भी बटालियन में जाते हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखें, और चाहे स्नाइपर से फायर करें या इंसास से करें, जो भी आपका हथियार है बटालियन में जाके, उन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जो फायरिंग स्किल उसको और बढ़ाइए, आगे बढ़िए। सर, आपका ITVP और आपके कॉलेज में सम्मान हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है बताएं सर? गर्व, सिर्फ यही कहूँगा कि गर्व महसूस हो रहा है कि जहाँ पे कि मुझे याद है कि जब पहले ही मेरी करेरा जब आना था, वो मुझे बहुत सन तो याद नहीं है पर कुछ शायद 83 में था जब मैं साइकिल उठा करके सीधे जो है करेरा पहुँचा था अम्बोला घाटी होते हुए। तो मुझे उस समय जो है ऐसा तो आभास नहीं था कि मैं भारत तिब्बत सीमा ज्वाइन करूँगा,
और उसके बाद जो है मैं आगे जो है शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कर पाऊँगा। तो डेफिनेटली एक शब्दावली जो मुझे आती है कि गर्व महसूस होता है।